बीच में रास्ता खोदा है, ये देख रहे रास्ता बनाया गया है आपको। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी बज गए सुबह के 7 और सबसे पहले सबको गुड मॉर्निंग। और आज मैं करने वाला हूँ एक चैलेंज जो 300 रुपए में मेरा पूरा डे स्पेंड करने वाला हूँ आज मैं। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही अमेजिंग। और वीडियो के साथ मतलब पूरे 300 रुपए में मैं मेरा डे स्पेंड करूंगा और प्लेसेस आपको दिखाऊंगा और अमेजिंग प्लेस है पूरे, जो भी प्लेस दिखा रहा हूं मैं वो आज जाके। तो आज राइड भी होगी, उसके साथ प्लेस भी होगा और डे स्पेंड 300 रुपए में होगा। तो वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली, तो एंड तक वीडियो को देखना, वीडियो को स्किप मत करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। तो चलो फटाफट अपन निकलते हैं। तो ये अपना बैग और ब्लूटूथ स्पीकर लिया है क्योंकि आज थोड़ी ट्रिप लंबी होने वाली है तो बाइक पे ही जाने वाले हैं, पर बोरिंग ना हो उसके लिए मैंने स्पीकर ले लिया है कि रास्ते में अपने बजाएंगे स्पीकर को। तो गाइस फाइनली निकल गया हूँ मैं अभी घर से और अभी अपने बज गए 7:30 और निकल गया हूँ घर से जाने के लिए। इधर पार्किंग है और इधर से चल के जाने का रास्ता है। और तो फाइनली गाइज हम पहुंच गए मिनी अमरनाथ, जो अमरनाथ धाम बोला जाता है, जो गांधीनगर के पास है पूरा। और इधर वाटर पार्क भी है, एडवेंचर राइड है, सब पूरा सब चीज़ें इधर। तो हम ऊपर चढ़ के जाने वाले हैं, पूरा ऊपर चढ़ के जाने का रास्ता है आगे से, तो पूरा दिखाने वाला हूँ। तो फाइनली अपनी डेस्टिनेशन आ गई है इधर, तो चलो चलते हैं फटाफट से और दिखाता हूँ। चल के जा सकते हैं अपने, इधर से यही रास्ता है। मंदिर जाना है, हाँ मंदिर जाना है, नीचे जैसे ढलान कर लेगा लेफ्ट हाँ। साइड हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड। ओके ओके थैंक यू गाइस। तो गाइस ये पूरा चल के जाने का रास्ता है, तो इधर इको भी जाती है, आपको ऊपर लेके जाएगी और उसकी जो चार्ज है टिकट है 30 रुपीज़ है। और हम तो चल के जा रहे हैं क्योंकि अभी तो अपने खून गर्म है, अभी चल के जाएंगे पूरा ऊपर चढ़ के। तो चलो फटाफट चल के जाते, इधर से इको जाती है। तो ये पूरा चढ़ने का आ गया है अभी स्टेप्स, तो अभी चढ़ के जाएंगे ऊपर। कितने स्टेप्स है मैं गिन के दिखाता हूँ आपको, चलो फटाफट। तो गाइस ऊपर आ गए, ये पूरा मंदिर है और एक चीज आपको बता दूं कि कल शिवरात्रि है और एक दिन पहले मैं महादेव के मंदिर पे आ गया हूँ, तो बहुत ही अमेजिंग पूरा ये देखो।
12 ज्योतिर्लिंग, जितने ज्योतिर्लिंग अपने इंडिया में है सारे के सारे इधर ऐसे बना के लगाए गए पूरे। देखो ये सुंदेश्वरम महाराज, अभी ये लास्ट है, अभी हम जा रहे हैं बाहर। तो इधर से पूरा पीछे पार्क मतलब गार्डन जैसा है, वहां से ही बाहर निकलोगे आप इधर से। ये पूरा मंदिर है पीछे की साइड से, और आगे एडवेंचर पार्क है, पूरा एडवेंचर पार्क अभी जाके दिखाता हूँ। मेरे शूज वहाँ आगे पड़े हैं तो पहन के बाद में एडवेंचर पार्क दिखाने जा रहा हूँ आपको। तो वीडियो को एंड तक देखो, बहुत ही मस्त वीडियो होने वाली है। और इसके बाद एक दूसरा प्लेस लेने वाले है, वो तो सरप्राइज है, किसी को बोलूंगा भी नहीं, और नहीं थंबनेल में आएगा नहीं टाइटल में आएगा उसका। तो पूरी राइड भी बहुत लंबी होने वाली है, और राइड के साथ हम प्लेस भी दिखा रहे हैं, तो दोनों अपने वीडियो में आज देखने को मिलेगा आपको। तो वीडियो एंड तक देखना, बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। इधर से पूरा एडवेंचर पार्क है, और पर पर्सन 600 टिकट है पूरा। ये अभी साफ सफाई चल रही इधर, ये देखो एडवेंचर पार्क। इसमें आपको हाई रोप आ जाएगा, ट्रेडिशनल बोर्ड गेम्स आ जाएगी, एडवेंचर स्पोर्ट, कमांडो नेट और ट्राई वेल आ जाएगा पूरा ये। और पूरा पैकेज लेना है तो 600 है। तो अभी हम फटाफट से नीचे जा रहे हैं, तो एडवेंचर किया नहीं क्योंकि दूसरे प्लेस लेके वहाँ पे जाना है, तो टाइम थोड़ा कम है अपने पास और व्लॉग पूरा लंबा हो जाएगा। इसके हिसाब से फटाफट से अपने जाते हैं दूसरी प्लेस पे, और अभी इधर से जा रहे हैं दूसरी जगह अपनी बाइक के पास, और बाइक के पास से वहाँ से अपने बाइक निकाल के जाएंगे। ये पूरा मेरे पीछे अभी ये सीढ़ी उतर रहे हम। एडवेंचर का जो टिकट है प्राइस है वो सब मैंने दिखा दिया है, जो नॉमिनली है बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो अच्छा है पूरा एडवेंचर, पूरे दिन की एक्टिविटी है, वन डे पिकनिक प्लेस भी बोल सकते हैं इसको, मिनी अमरनाथ। इधर वाटर पार्क वो सब अवेलेबल है, एक्टिविटी सारी एक्टिविटीज़ मतलब बोलते हैं ना जो भी मोस्टली एक्टिविटीज़ है सारी की सारी एक्टिविटीज़ इधर है, तो कई दूर जाने की ज़रूरत नहीं, एक ही जगह पे आपको सब एक्टिविटीज़ मिलती है। तो फटाफट से उतर के जाते हैं। और एक बात मेरे साथ बहुत मस्त हो गई, कल सही शिवरात्रि है और आज महादेव का दिन, मतलब कल महादेव का दिन है, तो आज मेरा व्लॉग कल ही आएगा ये जो उतार रहा हूँ मैं। तो हर हर महादेव। ये पूरी सीढ़ी मैंने ऊपर से व्लॉग चालू किया है, और ये पूरा उतरने में मेरे को 2 मिनट लगी, पूरी 125 स्टेप्स है पूरा, 2 मिनट में नीचे अभी। चड्डे में फटने वाली है, जाओ फटाफट। इधर आपकी फट जाएगी, खाली ढलान देखो गाइस। अभी गाइज मेरे को बहुत भूख लगी है, नीचे आ गए और मैंने मेरा झोला इधर लगा दिया है, दिखाता हूँ क्योंकि मैं घर से जहाँ भी जाता हूँ तो घर से खाना लेके जाता हूँ, इसके हिसाब से बाहर का चीट मिल भी नहीं खाने का, और मस्त घर का खाना मिले, और अपने जो चैलेंज है वो चैलेंज में अपने आ भी जावे। तो पूरा भी अभी देखो पीछे मेरे, ये देखो ये अपना झोला लगा दिया, और घर से मम्मी ने नाश्ता बना के दे दिया है बटे का वोवा, तो अभी खाएंगे इधर बैठ के मस्त बाइक के ऊपर, डबल स्टैंड लगा दिया है। और ये देखो अमरनाथ विश बटे का पोहा, तो स्टे ट्यून। तो गाइज अभी एकदम रेडी हो गया हूँ नाश्ता वास्ता करके, और अभी दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं अपने। तो वो दूसरी लोकेशन का नाम पता, वो सब लोकेशन में कहाँ पे है क्या है, और ये मिनी अमरनाथ से 7 किलोमीटर की दूरी पे ही है वो लोकेशन। तो लोकेशन को देखने के लिए आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहे, तो अभी फटाफट मेरी बाइक निकाल के वो लोकेशन पे जाते हैं। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फटाफट से एंड तक वीडियो देखो। तो अपने दूसरी लोकेशन दिखाता हूँ मैं वीडियो में, तो चलो फटाफट से जाते हैं। तो गाइस ये रास्ता देख सकते हो पूरा, ये देखो, और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे रिस्क पे बना रहा हूँ, आप ऐसी जगह पे भाई क्या कुछ लेके नहीं आए। ये खाली रास्ता देखो आगे, ये इस साइड नीचे जाने, गाइस खाली रास्ता देखो आप, खाली 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 ये रास्ता देखो वहाँ पे, ये सब खाली रास्ता देखो इधर का।
पहाड़ों के बीच में आ गए हम और जोरदार प्लेस रास्ता खोदा है, देखिए सर रास्ता बनाया गया है, अब खोदा है यो भी है, देखो खाली रास्ता और रास्ते के साथ में हम गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं उदयपुर या आबू में राइडिंग तो नहीं कर रहा हूँ ना, ये खाली रास्ता देखो मेरे आगे और बाइक लेके उतरना बहुत रिस्क है इधर, बहुत ही रिस्क है और मैं बाइक से आया इधर तो खाली रिस्क देखो आगे और सामने के साइड देखो, खाली ये प्लेस अमेजिंग होने वाली है तो आप देखना एंड तक वीडियो को। और अभी 3-4 रास्ते हो गए तो मेरे तो गाइस फाइनली लोकेशन यह थी जो अभी हम चढ़ रहे हैं, ऊपर बाइक लेके भी जा सकते हो और आगे से इधर से चल के भी ऊपर चढ़ सकते हो पूरा, और इधर से मैं बाइक लेके जा रहा हूँ, ये रास्ता बाइक और कार और बस बस सब वाहनों के लिए बनाया गया है। तो अभी जाके ऊपर जाके मैं दिखाता हूँ वहाँ का पूरा सीन। फाइनली गाइज अपने लोकेशन पे पहुंच गए, बहुत स्ट्रगल के बाद लोकेशन आई है क्योंकि मैं अंदर के रास्ते में से आ गया था गांव में से, तो बहुत ही ऑफ रोडिंग करके क्योंकि वो नदी का किनारा था तो वहां पे पहाड़ जैसा था ना, उसको खोद के पूरा रास्ता बनाया होता है, तो वो रास्ते से मैं आया तो मेरी बाइक भी चल नहीं रही थी गाइज, मैं बहुत स्ट्रगल के बाद इधर आया तो फाइनली अपने इधर मिनी पावागढ़ महाकाली माँ का मंदिर है वहां पे आ गए है, तो पूरा अभी मंदिर वहां पे जाके मैं, तो ये मंदिर है महाकाली माँ का ऊपर, और ये देखो ये ऊपर भी इतनी स्पेस है, पार्किंग की स्पेस भी इतनी है कि आप ऊपर कोई भी लग्जरी लेके आ जाओगे तो भी आपको पार्किंग मिल जाएगा, और ये ऊपर से पूरा सीन, ये ऊपर से पूरा सीन है, और वो सामने के साइड जो दिख रहे हैं वहाँ पे सामने के साइड ये वाली वो नदी है, पूरी सूख गई है अभी नदी, और वहाँ पे आप जा सकते हो नदी पे, पहले इधर मैं जब आया था तभी नहाने का वो सब था, इधर से नीचे जा सकते हो वहाँ पे नदी पे, तो अभी तो पूरी सूख गई है, और ये खाली व्यू देखो आप इधर से पूरा। तो गाइज घर आकर मैं सीधा सो गया था और अभी बज गए 5:30, तो अभी मैं इधर वीडियो का एंड कर रहा हूँ। तो आई होप गाइज वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरी चैनल को, ऐसे नए नए वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।